पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राशियां क्या होती हैं और राशियों के अक्षर कौन से होते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे नक्षत्र देवता के बारे में। दर्शकों, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और वो 27 नक्षत्रों के नाम मैंने इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप लोग चाहे तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। जिसके मैं नाम बोलते जाता हूं आप लिखते जाइए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृषिक, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र के नाम है जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। ये नक्षत्र ज्योतिष के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं नक्षत्र और उसके चरण के माध्यम से आपका कौन सी महादशा में जन्म हुआ है ये पता चलता है। जैसे कि मान लो रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो चंद्र की महादशा में बच्चा पैदा हुआ है। इस प्रकार से हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं और उन चार चरणों पे से देखा जाता है कि बच्चा कौन सी महादशा में पैदा हुआ है। और एक बात, हर 2.25 नक्षत्र के अंदर एक राशि आती है, यानी कि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र को आप 12 राशि से डिवाइड करोगे तो हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप यहां ध्यान से देखिए, यहां अश्विनी के ऊपर राउंड मारा है, आश्लेषा के ऊपर राउंड मारा है, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती के ऊपर गोल राउंड मारा है। इसका क्या अर्थ है दर्शकों? ये जो नक्षत्र है इसे शास्त्र में अशुभ नक्षत्र माना गया है। वेदों में, पुराणों में, ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा गया है कि जो भी बच्चा इन नक्षत्रों के अंदर पैदा होता है वो खुद के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उसके अभ्यास में रुकावटें आती है, उसकी तंदुरुस्ती में प्रॉब्लम होता है, उसके स्वास्थ्य के अंदर कुछ रुकावटें आती है, तो इसकी पूजा होती है। उसमें सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। रेवती के पहले दो चरण, रेवती के आखिरी दो चरण और अश्विनी के पहले दो चरण, इसे गंडात नक्षत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी। शास्त्रों में इधर तक कहा गया है कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र दक्ष राजा था और दक्ष राजा की 27 बेटियां थी और ये 27 बेटियों को चंद्र के साथ शादी करवा दी गई थी। और ये जो 27 बेटियां हैं जिसके नाम ये आपके सामने लिखे हैं, यानी कि ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष, दक्ष की 27 बेटियां और वो 27 बेटियां हैं ये नक्षत्र देवता। तो आज हम इतना ही जानेंगे, अगले एपिसोड में हम जानेंगे तिथि के बारे में। नमस्कार।